13 अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। Assalamualaikum, Welcome back to another vlog। कैसे हैं आप सब लोग? और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके कर लें। और इकरा ऑफिशियल इंस्टा को भी फॉलो करें। और कैसे हैं आप सब लोग? इकरा, कैसा भी लोग है आज का? आज का भी लोग जो है हर साल की तरह पूरा पुरजोश व्लॉग है, क्योंकि ये है इंडिपेंडेंस का व्लॉग। बिल्कुल। तो आज है जी 13 अगस्त, और हम जाएंगे हमेशा की तरह, जो लास्ट व्लॉग में हम गए थे शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो फटाफट जाते हैं शॉपिंग करने। मौसम भी बाहर जो है अच्छा होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब पता नहीं है अच्छा होगा कि नहीं होगा। नहीं, अच्छा हो जाएगा। बचपन में 14 अगस्त को बारिश लाजमी होती थी, अब पता नहीं क्या होगा। बचपन है, लेकिन बारिश नाजमी, लेकिन बादल जरूर आएंगे। बादल जरूर। तो चले अब चलते हैं। सबसे पहले हम चीजें लेके आते हैं। पता यार, सबसे पहले अभी हम उठे हैं, फ्रेश हुए, अभी सिर्फ मुंह हाथ धोया हमने, हम चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह दिल्ली करना करने। मुझे कहा छोड़ दो, अभी कोई कपड़े चेंज नहीं करने, अभी आओ इंट्रो करो और फिर चाय पीने के बाद फ्रेश होना, फिर चलेंगे हम बाहर। तो बाहर जाके शॉपिंग वगैरह देखते हैं, और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे कितना रश होता है। लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा ही होगा। तो चलते हैं, जाके चीजें लेके आते हैं, और वापसी पे देखो कितना टाइम होता है। जितना भी होगा, लेकिन हम केक जो है ना लेकर ही आएंगे, क्योंकि कल नहीं मिलना, केक नहीं मिलता है, क्योंकि रातों रात ही सब दुनिया ले लू के निकल जाती है। तो चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से निकलते हैं बाहर का, आपको भी दिखाते हैं थोड़ी सी रौनक वगैरह दिखाते हैं। स्पेशली ओवरसीज इतना पसंद करते हैं, जब हम अंदरून सिटी जाते हैं ना, वो कहते हैं कि आपने ना हमारा क्या कहते हैं ताजा कर दी, रोम रोम ताजा हो गया हमारा, हमें यादें आ गई, पाकिस्तान की याद आ गई है। तो चलो अभी चलते हैं, और फिर आपको बाद में मिलते हैं, क्योंकि कुछ और काम भी है हमें रस्ते में, तो बस वो भी निपटा के जो है ना आते हैं। फिर पता नहीं, मैं फिर रात हो जानी है। हम आ चुके हैं जी उर्दू बाजार, और यहाँ पर देखे जी माशाल्लाह काफ़ी रौनकें वगैरह लग चुकी हुई हैं। ये सर दर्द 14 अगस्त का जो सर दर्द होता है वो ये है, ये नहीं लेना यार हमने। सुल्तान कह रहा था आदि चाचू मुझे ये बड़े वाला चाहिए, लेकिन ये नहीं लेके जाना। सुल्तान ये देख लो, ये है, लेकिन मैं आपके लिए लेके नहीं आऊँगा, ये आपने सर दर्द लगा देनी है हमारे पे। वैसे ही आप बहुत शरारती हुए हो। तो झंडे तो पिछले साल वाले ही बराबर है हमारे पास, वो वाला झंडे का या देख लेते हैं कोई और भी। बाकी जो है अंदर जाके देखते हैं, यहाँ पर इकरा अंदर चली गई हैं, तो यहाँ पर जाके देखते हैं ड्रेसेस वगैरह भी और सारी चीज़ें वगैरह वो लगी हुई हैं। पर जी इकरा चीज़ें वगैरह देख रही हैं, इकरा कोई समझ लगी है? अभी तो चेक कर रही हूँ। इस दफ़ा तो और प्यारी प्यारी चीज़ें आ गई हैं ना, ये देखो करे कितने प्यारे कलर लग रहे हैं। पहले मेहर मारे लिए लेना, ये क्या बना हुआ है, कैचर है ये? ये सारी चीजें हैं, इस दफा सारी चीजें डिफरेंट ही आई हुई हैं। कपड़े बच्चों के जिस तरह 14 अगस्त होती है, वो वहाँ पे अंदर मेन दुकान है, उधर देखते हैं कुछ। ये कुछ झंडे भी लेने हैं, एक कुछ झंडे भी लेने हैं यार, है बच्चों के लिए ना, ये तो लटकने वाले हैं ना, वो सादे ही लेने हैं सिंपल वाले। यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह, ये झंडे, हर साइज का झंडा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखिए ये सारी चीज़ें। ये हमेशा की तरह बादल भी आना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि 14 अगस्त को बारिश जरूर होती है। वो देखें जी, कल 14 अगस्त है, और यहाँ पे देखें बारिश का मौसम फुल हैवी हुआ हुआ। झंडा देखें, हवा देखें कितनी प्यारी चल रही है यार। अभी तक इकरा को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, वो आगे चलेगी, आगे जाके देखते हैं अब क्या मिलता है। कितना बड़ा झंडा है यार, छोटे से लेके फुल साइज तक। तो जी चीज़ें हमारी सारी फाइनल हो गई हैं, और मौसम आप चेक करें यार, क्या कमाल का मौसम, सारा अंधेरा हो गया है यार, देखें ज़रा, बहुत ही लेवल का मौसम हो गया है। अब ठंडे ठंडे सुकून से अब हम घर जाएंगे, क्या ज़बरदस्त मौसम है। मुझे इस तरह का मौसम बहुत पसंद है यार, आई लव दिस टाइप ऑफ वेदर, वेरी ब्यूटीफुल। 2000 years later. चलें जी अब यहाँ पर आए हैं जी हम केक लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। तो इकरा और मैंने सोचा कि केक भी अभी पकड़ लेते हैं, सुबह पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते। इकरा कौन सा फाइनल करें? बड़े ज़बरदस्त बने हैं, पिछली दफ़ा तो हमने सिंपल लिया था ना इस तरह का, तो इस दफ़ा ये कोई फौजी फूजी भी ले लेते हैं यार।
देखो पसंद करो फिर निकले यार। चलो देखते हैं फिर पसंद करते हैं हम यहाँ से। हाँ सुबह ही दिखाएंगे कौन सा वाला लेते हैं फाइनल। उफ यार थक हार के घर पहुंच गए हैं, हर चीज मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की चीजें वगैरह और कुछ फ्लैग्स वगैरह भी लेने थे वो ले लो के आ गए। झंडियां वगैरह यार अब लगा ही नहीं है क्योंकि हमेशा बारिश हो जाती है तो दिल्ली छोटा हो गया, बस झंडा झंडा पकड़ लेंगे। तो जी सुबह का जो है ना बहुत बड़ा प्लान है, केक भी आपने देखा है उन्हीं में से हमने सेलेक्ट किया, केक वगैरह भी पकड़ लिया, निमरा सिस्टर भी आई हुई है। तो अब जो है ना हम आपको मिलते हैं सुबह। सुबह का जो है बड़ा मेन किरदार है सबका, तो सुबह इंशाल्लाह आपको मिलते हैं फिर। और जो सुबह के कपड़े हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त मामा ने इनके डिज़ाइन किए हुए हैं, इवन के मामा के खुद के भी हैं। तो जो है अब सुबह आपको मिलते हैं, तैयारियाँ वगैरह कर रहे हैं, कपड़े शपड़े प्रेस कर रहे हैं। तो चलें बस अब हम भी ओके ओके मिलते हैं सुबह फ्रेश हो। द नेक्स्ट मॉर्निंग 13 अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है, आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, आपको पाकिस्तान मुबारक। तो जी अभी जो है हम आए हैं जी गार्डन के अंदर और यहाँ पर हम लोग आए हैं जी टिकटॉक वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि टिकटॉक्स और रील्स भी तो आप लोगों को चाहिए होती हैं। और यहाँ पर देखें ये सारे कर रहे हैं एंजॉय। मैम आप क्या कर रही हो इधर, हैं भाग गई है सुल्तान। यहाँ पर ये देखें जी सारी रील्स वगैरह बन गई हैं, रील्स अच्छी बन गई हैं। चलो अब चलें, बच्चे आ गए होंगे लगता है उधर, केक वगैरह कट करते हैं जाके। ठीक है वो देखें बाजे पे बाजा बजाई जा रहा है, बस कर दे कितना बाजा बजाना है। चलें आए चलें। निर्मला सिस्टर आप एंजॉय कर रही हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा। अच्छा आपने नहीं बनाई कोई टिकटॉक्स वगैरह? अच्छा हुसैन ने बनाई है, सही टिकटॉक्स है ना हुसैन? तो चलाओ यार चलें, आओ कुलरे चलें यार, चलें यार। अब जो है हम अपने ब्लॉक के गार्डन में जाते हैं और वहाँ जाके सबको इकट्ठा करके चलें। अब हम चलते हैं जी अपने ब्लॉक के गार्डन में और वहाँ जाके जो है जी केक कट करते हैं, वहाँ पे सब बच्चों को इकट्ठा करते हैं। तो जी यहाँ पर हम आ चुके हैं गार्डन में और यहाँ पे आप रौनक देख लें जी, कितनी ज़्यादा रौनक है। चलें जी यहाँ पे बच्चों को हम देंगे फ्लैग्स। चलो बच्चों पकड़ लो फ्लैग्स, सब बच्चियों को, बच्चों को। पिछले साल की साथी हैं, पिछले व्लॉग में देखा ही होगा। चले अभी यहाँ पे केक भी निकाल लें, केक हमने कौन सा फाइनल किया था बाहर निकाले, मैं दिखाता हूँ फिर। और यहाँ रौनक चेक करें जी, बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे यहाँ पे। चलो गुलरेज झंडे को लहराना है यार, इधर तो 100 पाउंड का केक भी कम पड़ जाएगा। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के काटते हैं, अल्लाह बरकत डालेगा। और इसको भी आप जानते होंगे, ये भी हमारा पिछले व्लॉग में इसने झंडा पकड़ा हुआ था। चलो यार बस जोर जोर से बाजे बजाइए, ठीक है? सर दर्द लगा रही है फुल। चलो 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 आ जाओ सामने, आ जाओ सारे बच्चे। चलो यार यहाँ पे बच्चों को सेट कर लें। और ये देखें ये था जी केक, सुल्तान ने कहा था अरे चाचू मुझे ये वाला केक चाहिए, इस पे टॉयज लगे हैं, तो ये सुल्तान आपके टॉयज है। ओके चलें केक कट करेंगे फिर आपको टॉयज मिलेगा। ओके अभी रुको आप सामने आओ, चलो सामने आ जाओ। चलो यहाँ पे बच्चों को पहले इकट्ठा करें सबको यार।
सबसे पहले तो सब बच्चे पढ़ेंगे कौमी तराना, जो हमारा नेशनल एंथम है, सबसे पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद केक कट करेंगे। चलो बच्चे, सब बच्चे पढ़े। परचमे सितारों करे तरक्कियो कमाल, तर्जमाने वाली जाने जाने करवा साए खुदाए दुल जलाल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो केक कट करें। बजाओ बजाओ बजाओ। हाथ में ने केक ही उठा लिया। जहाँ जाओ पीछे यार सबको मिलेगा, राम राम से ले लो, ऐसे किसी को भी नहीं मिलेगा। अब क्या करना है? पहले कायदा तुमको जाके पाकिस्तान जिंदाबाद। ये भी यार टेस्टी है, बहुत राश है, बहुत राश है, बहुत मजे का। ओके डन करो। यहाँ पढ़ना हमारे पुराने मोहल्ले के ना कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ थी, इतना उनको देखा था, आज उनको इतना बड़ा देखा, उन्होंने मुझे पहचाना। इकरा भी आप मैं अलग अलग नहीं पहचान सके, लेकिन उन्होंने पहचान लिया, मुझे इतनी खुशी हुई। और अगर वो घर जाकर भी मेरा ब्लॉग देखेंगे तो आप सबको आपकी इकरापी की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार, आपने मुझे इतना प्यार दिया और इतना आपने मुझे कहा कि इकरापी हम छोटे थे आपकी गोद में खेलने में, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और बस केक कट होता है, घर चलते हैं और घर जाके जी आज शादी होती है बनाने शुआर में, तो घर जाके देखते क्या होता है। माँ सबको दे दिए, ये किसका है? ये 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 ओके यार चलो। चले जी, अब मैं किचन में आ गई हूँ और राहत भाई ने बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली है। अब मैं देखती हूँ कि राहत भाई को मेरी किस चीज की जरूरत है, चलें देखते हैं। वैसे भी मुझे इनका पैकिंग स्टाइल बहुत पसंद है। आप वीडियोस में देखती थी? हाँ वीडियो में देखती थी। और मुझे शौक था कि मैं मतलब जाके राहत भाई से सीखूं, मुझसे शवारमा बनाना था और मुझसे पैकिंग नहीं अच्छे तरीके से होती थी। अब मैं राहत भाई से सीखूंगी शवारमा की रैपिंग पैकिंग कैसे होती है। ओके तो आज आपके भाई ने जो है ना ये ग्रिल किए हैं, सारे जो इसके चिकन के स्टेक्स हैं उनको ग्रिल कर लिया है। मसाला तो वही होता है जो हम लगाते हैं, तो बस अब इनको कटिंग करते हैं फिलेट्स में और चले सीखते हैं राहत भाई से। फिर मैं आऊंगी तो आप खिलाएंगे हमें बना के? हाँ इंशाल्लाह जरूर। ठीक हो गया ना? चलो जरूर। चले जी, अब मैंने शवारमा की स्टो निकाल ली है, जैसे जो साहिबा भी काम करती थी आज वो मैं करूंगी। अब मैं इसको करूंगी स्मोक। लेट्स सी, देखते हैं उनको मेरे हाथ का काम पसंद आता है कि नहीं आता, देखते हैं। जी आहत भाई, ये आज आपने फ्लिट्स में क्यों बनाया? फ्लिट्स में मैंने इसलिए बनाना है क्योंकि ना ये बारबेक्यू ग्रिल जो मजा होता है ना टेस्ट का, वो एक बड़ा जबरदस्त लेवल होता है। आप इसमें इस तरह बनाएंगी ना वो ज्यादा मजे का टेस्ट आएगा, ग्रिल करके चिकन बनाएंगे तो okay. फिर आप उसी तरीके से ना KFC स्टाइल। हाँ KFC स्टाइल इस तरह का ना स्टेक नुमा टेस्ट भी आ सकता है। आप स्टेक ऐसे भी खा सकते हो सॉस वगैरह में डाल के, ब्रेड वगैरह के साथ, या जिस तरह भी अगर आपको अच्छा लगे। तो फिर ये देखें इस तरह इसके फिलेट्स करके कटिंग करके, तो ये ना बड़ा ग्रिल वाला टेस्ट आता है, बड़ा मजा आता है। चले बस बस हो गया हो गया हो गया।
हमारी मुराद देख ली है आपने, रैपिंग किस तरह मैंने की है। जी, बस नेक्स्ट अब मैं आऊंगा आपके घर, मैंने यही खाना इंशाल्लाह। तो पता लग गया किस तरह बनाया मैंने सारे। नहीं भी अगर थोड़ा बहुत गलत होगी तो आप मुझे, हाँ मैं वहाँ पे ही होगा, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। चले ये आपके गर्मा गर्म शॉर्मा रेडी है, आप चेक करें टेस्ट कैसा है। तो प्लेटर भी खा रहा था, कैसा लगा? बहुत मजे का है ना? क्या बाजार से ज्यादा अच्छा ना? है ना? चलो जी, हाँ जी गुलरेज साहब उसका आ रहा है तो आप बहुत मजे का है ना। चलो भाई चले जी, शॉर्मा वगैरह तो हमने खा लिए हैं और इन्होंने शॉर्मा की रेसिपी भी सीख ली। कैसा था शॉर्मा? बहुत मजे का, बहुत मजे का था, इतना मजे का था। मेरे बनोई का फोन आ गया तो कहते हैं कि ना आज भाई मेरे लिए भी लाजमी भेजना, तो बाद में उनके लिए भी बनाया है। तो सबसे पहले अपनी सिस्टर से पूछते हैं कि आप यहाँ पे रहे हैं और आपके माशाल्लाह से ब्लॉग्स बने, कितना मजा आया? मुझे बहुत ही मजा आया, मुझे फर्स्ट टाइम थोड़ी मजा आया। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मैं वैसे ही बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे वैसे भी आंटी की तरफ आके बहुत ही मजा आता है, मुझे लगता ही नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि मेरा दूसरा लगता है इससे मेरा दूसरा माइक आई, मुझे कभी भी नहीं लगा मेरी बहन का दूसरा आ रहा है। और आप ये सोच रहे होंगे तीन ब्लॉग कौन से, दो ही डाले इन्होंने, तो तीसरा व्लॉग अभी आएगा, वो इसके बाद आएगा, वो भी आपके लिए एक सरप्राइज ही है। आपको अब आपने देख रहे कि वीडियो के पीछे कितनी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है, वाकई बहुत मेहनत होती है। तीन व्लॉग्स आपने बनाया, आपको पता ही यही था जी हमारा, और हम भी बहुत थक गए हैं। हाँ जी, वो भी अब घर जा रही है अपने, तो यहाँ पे हमने अपनी वीडियो का एंड करना था, तो यहाँ पे वीडियो का एंड कर देते हैं। लेकिन एंड जो है ना इनके लिए है, अभी हम यहाँ पर एंड करेंगे, लेकिन आपको रात की रौनक भी लाजमी दिखाएंगे, वो मैं जाकर शूट करके आऊंगी और फिर मैं इस ब्लॉग के अंदर भी इसको ऐड करूंगी। तो ये था जी आज का हमारा इंडिपेंडेंस का ब्लॉग, बड़ा मजा आया आज। पिछले साल तो हम खोते, लेकिन इस दफा बच्चा पार्टी भी बहुत ज्यादा थी, रौनक ज्यादा लग गई है। हाँ यही था, तो बड़ा मजा आया और गर्मी नहीं लगी क्योंकि हम सोच रहे थे बड़ी गर्मी होगी, तो बड़ा अच्छा मौसम था। तो चलिए जी, ये हमारा इंडिपेंडेंस डे का व्लॉग था, हमें अपनी गाँव में याद रखिएगा और हमारे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना है। सब्सक्राइब करते जाएं, फटाफट 100 के कर दें, दस्ती कर दें, क्योंकि इसके बाद का व्लॉग मेरी सिस्टर का है और वो उसका अकेले का व्लॉग है, देखिएगा जरूर, बहुत मजे का वो वाला व्लॉग है यार, बहुत मजे का व्लॉग है। तो बस इसी तरह हमें अपनी गाँव में याद रखें, हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए अल्लाह। चले जी, मैं और आहत बाहर आ गए, जैसे कि मैंने आपको कहा था मैं आपको व्यू दिखाऊंगी और व्यू है थोड़ा सा आगे जाकर बहुत खूबसूरत व्यू इसमें रह नहीं सकी। पर मैंने सोचा था कि लास्ट ईयर की तरह दिस ईयर भी मैं इसको लाजमी ब्लॉग में ऐड करूँगी।